वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जोन में आप लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों आज हम एक ट्रैप के मतलब बताएंगे। दोस्तों दिस इज़ कॉल्ड सेक्स फेरामोन ट्रैप। ये जो है गुलाबी सुंडी का एक जिनसी फंदा है। प्लास्टिक का एक डिब्बा है जो 100 से 120-130 रुपए तक आ जाता है। दोस्तों ये जो है सेक्स फेरामोन ट्रैप, दरअसल ये गुलाबी सुंडी जो है पिंक बॉल वॉर्म पेक्टिनोफिरा गॉसिपाइला, उसको दोस्तों कंट्रोल करने के लिए हम जो है इसे फील्ड के अंदर लगाते हैं। दोस्तों इस डिब्बे के अंदर, दरअसल ये जो आपके सामने प्लास्टिक है, इसके अंदर सारे मौत कैच होते हैं। ऊपर एक फनल है और फनल के ज़रिए जो है वो मौत यहाँ इसके अंदर आता है। जो प्लास्टिक का कुंडा लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं, इस कुंडे के अंदर हम कैप्सूल लगाते हैं। कैप्सूल कौन से हैं वो आगे चल के आपको बताता हूँ। ये आपके सामने एक पैकेट है। दोस्तों इस वक्त जो है वो पेस्टिसाइड कंपनीज़ में एवियोल ग्रुप जो है वो ये सेक्स लियोस जो है ना वो सेल कर रहा है। ये पैकेट है, इसके अंदर 4 कैप्सूल्स होते हैं। ये 400 से 500 रुपये में आपको मिल जाता है। एक कैप्सूल 15 दिन के लिए जो है वो कार आमद है। हाईली प्लास्टिक कोटिंग के साथ इसको पैक किया गया है, क्योंकि ये ल्योर है। अगर इसको नॉर्मल पैकिंग में करें तो ल्योर सारा उड़ जाएगा। और टेम्परेचर का आपने ख़ास ख्याल रखना। अगर आपने बॉक्सेस जो है, डिब्बे जो है, ये आपने खेत के अंदर धूप में लगा दिए तो जल्दी से रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो कोशिश करें साए के अंदर इसको, छाँव के अंदर लगाएं, ताकि जो ल्योर है वो स्लो रिलीज़ हो, ताकि आपका कैप्सूल 15 दिन अच्छे तरीके से काम दिखा सके। तो एक पैकेट जो है, इस पैकेट को आप जो है वो आप चेंज भी करते रहेंगे। 15 दिन के बाद इस कैप्सूल को आपने चेंज करना है। और जो बॉक्स हैं इसको आपने गाहे बगाहे खाली करते रहना, क्योंकि इसके अंदर जो है मादा की खुशबू है, जिसके ऊपर नर परवाने जो है इस बॉक्स के अंदर सारे जमा होते जाएंगे। तो दोस्तों अब उसके बाद जो है ना हम आपको बताएंगे अगली बात कपास की, किस सिचुएशन के अंदर हमने लगाना है। तो काइंडली इन कैप्सूल्स को आपने रेफ्रिजरेटर में अंदर रखना है, लो टेम्परेचर देना है। उसका भी, उसके पीछे भी साइंस वही है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी ये केमिकल रिलीज़ हो जाएगा इसके कैप्सूल। दरअसल ये कैप्सूल जो है वो प्लास्टिक के हैं, इसके अंदर ना कैप्सूल प्लास्टिक के हैं, जिसके अंदर जो है गॉसिप्लोर जो है वो ऐड किया गया है प्लास्टिक के साथ, और वो जो है खुशबू रिलीज़ करता है, जिसके ऊपर जो है ये मादा की खुशबू है, जो कि नर जितने भी हैं फील्ड के अंदर वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि लगाने का तरीका क्या है और किस जगह लगाने। दोस्तों कोशिश करें, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही फल जो है वो आना शुरू हो जाए कपास के ऊपर, यानी गुलाबी सुंडी का सीज़न स्टार्ट हो गया। एक तो है अप्रैल मई के अंदर, या मई और जून, मई तक रहता है, और दूसरा है फ्लश आता है जुलाई के एंड पे, और अगस्त और सितंबर अक्टूबर तक रहता है। ये जो 3 महीने हैं, इन महीनों के शुरू होने से पहले या जो है पहला फ्लश जो आ रहा है उसके ऊपर आपने क्या करना है, जैसे ही फुलगुद्दी शुरू हो जाए तो कोशिश करें इन डिब्बों को आपने इंस्टॉलेशन इनकी कर देनी है। जैसे अगर हमने सिर्फ ये देखना है कि गुलाबी सुंडी आ रही है कि नहीं आ रही, तो फिर एक डिब्बा लगाएंगे। और अगर आपने कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना, तो कोशिश करें एक एकड़ में 5 डिब्बे लगाएं, और जितने ज़्यादा लगाते जाएंगे उतना ही इसमें आपका फ़ायदा, क्योंकि सारे नर परवाने कैच हो जाएंगे और मादा जो है उसको मलाप करने के लिए नर नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो कम डाउन हो जाएगी। दोस्तों तो पॉपुलेशन कट डाउन करने के लिए ये एक बेहतरीन जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो मिटिगेशन है। तो लगाना कहाँ है, ये कपास के बिल्कुल सेंटर में, और कपास के पौधे से कम अज़ कम 1.5 फुट जो है वो आपने 30 सेंटीमीटर तक जो है वो आपने ऊपर करके लगाना है, ताकि परवानों को एक तो खुशबू जो है वो खेत के अंदर फैल सके, दूसरा कोई रास्ते में हिंड्रेंस ना हो इन ऑर्डर फॉर द अडल्ट्स टू कम इनसाइड दैट फनल। दोस्तों जो है ना ये आपने सारी चीज़ें जो है ना करनी है। अब आ रही बात के लगाना किस तरीके से, डेफिनेटली सारे एक जगह पर नहीं लगाने, कोशिश करें कोनों पे लगाना चाहे कोनों पे लगा लें, सेंटर में लगाना चाहे सेंटर में लगाएं, मुख्तलिफ जगहों पे। जैसे तरह पेस्काउटिंग डिफरेंट वे से हो रही है, डिफरेंट जगहों पे जाके करते हैं, ऐसे ही जो है ना इसको मुख्तलिफ जगहों पे आप लगाएं, ताकि जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों से पॉपुलेशन इकट्ठी होकर इसके अंदर आ जाए। अब रही बात ये है कि दोस्त कहते हैं कि जिस जगह पर हम लगाते हैं वहाँ पर पिंक बॉल वॉर्म का ख़तरा जो है और बढ़ जाता है। दोस्तों बात ये है, अगर आप सेक्स फेरामोन ट्रैप्स को ज़्यादा रकबे पर जो है ना वो लेके जाएँ तो इंशाल्लाह उससे उतना ही ज़्यादा। आगे चल के गासी फ्लोर है, उसके मतलब भी आपको बताएंगे, वो डिस्पेंसर्स होते हैं वो भी लगाते होते हैं, उसका भी बड़ा फ़ायदा है। 25 एकड़ का कम अज़ कम ब्लॉक होना चाहिए, तो वो जो है ना ये ज़रूर लगाएं, इंशाल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखें, नेक्स्ट मालूमात के साथ फिर हाजिर होंगे। रोक लेती है
आपकी निस्बात तीर जितने भी हम अंकल मेरे पैसे पैसे ओए कौन से पैसे है? चीजें जो खरीदी है उसके पैसे अंकल ओए चीजें हमने तुझसे खरीदी कहाँ है हमने तो छीनी है ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे क्या सही नहीं कर रहे हैं जा जाके अपने बाप को बुला लो एक सहारा ना मेरा बाप है ना मेरी लगाएगा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन